आप सबको मेरा प्यार और नमस्कार। अभी मेरे पास कुछ वीडियो था नहीं, तो मैं ऐसे सो के बोल रहा था, तो मैं सोचा यहाँ पे कहीं जाना भी नहीं था, अभी सो के उठा हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि छत पे चलूँ ऊपर, तो अभी चलते हैं ऊपर। इधर कुछ काम वाम हो रहा है, आपको दिखा देगा, तो हम लोग चलते हैं छत पे, उधर से दिखाते हैं आपको कुछ प्यारा नज़ारा। देखो इधर से अभी बोल रहा है, पीछे से दिखाते हैं आपको। ये फ्रंट कैमरा फोकस नहीं कर पाता, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। इधर इधर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सब जो खम्भे हैं बिजली के, है ना, बिजली उजली के या फैक्ट्री गए होंगे वही सब। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, इधर भी कुछ काम हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। क्या करोगे, कील उठा दी। अभी हम लोग आ गए ऊपर, इधर से दिखाते हैं आपको, हर तरफ टंकी। हाँ पूरा हर तरफ टंकी। और एक चीज़ और दिखाना, हम बार बार आप लोग से बोलते हैं, इधर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ हम लोग हैं उधर कितने पेड़ पौधे हैं आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए पूरा ये जो ये एरिया पूरा जंगल जैसा दिखेगा, और बीच में उधर ही पार्क है, वो लाइट भी नहीं दिख रही, जो लाइट जलती है पार्क में उधर है, वहाँ पे दिख रही है। तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो पार्क जाते हैं ये जो लाइट दिख रही है ना यहाँ पे, ये हल्की हल्की दिख रही हुई ये वाली जो लाइट यहाँ पे, इसी के बीच में पार्क है। और आप लोग देखिए पूरा जंगल जैसा है, पूर्ण जंगल जैसा है, इधर पूरा देख सकते हैं आप, काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और इधर दिखाते हैं आपको, इधर पूरा सिटी है पीछे, ये है ग्रेटर नोएडा, सेक्टर कौन सा है, सिग्मा 4 देख सकते हैं आप लोग। इधर अभी मैं सो के उठा तो मैं अभी से बोला चलो टहल के आते हैं, तो पार्क में तो 2-3 बार जा चुके थे, तो मैं बोला चलो छत पे चलते हैं, छत का नज़ारा देखते हैं ऊपर से कुछ देखते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं इस टाइम, तो यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। अगर 100 रूम है, मान लीजिए सपोज करिए, अगर 100 रूम है, 100 में से लगभग सपोज कर लो, सोच लो एक बार, 100 रूम होंगे तो कितने लोग होते हैं यहाँ पे सब मिला के, पूरे सब मिल, अगर 100 रूम है ना, तो उसमें से 20-22 रूम ऐसे है, सब लोग हैं 20-22 रूम में, बाकी सब खाली खाली खाली, पूरा खाली है। और इधर पीछे का एरिया देखिए, पूरा जंगल जैसा दिख रहा है, बाकी जंगल जैसा है नहीं, इसके नीचे घर भी है, इसके नीचे लोग रहते हैं, बस पेड़ के मतलब पेड़ की वजह से एकदम पूरा ये छिप गया है, बाकी इसके नीचे लोग रहते हैं, और पीछे पूरा शहर है देख सकते हैं आप लोग। बाकी कभी बाहर मैं चलूँगा यहाँ से, कहीं घूमने चलूँगा तो भी आपको दिखाऊँगा, फिलहाल में तो कुछ था नहीं, तो मैं सोचा आप लोग को कुछ तो वीडियो मतलब अपडेट करूँ, कुछ तो आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी हम लोग की यूट्यूब फैमिली 2000 होने वाली है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बस बहुत थोड़ा सा ही कम है, आप लोग जल्दी से उसको 2000 कर दीजिए, अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी फ्लोर आपको दिख रहा है सब खाली, इधर का पूरा खाली है, और इधर का दिखाता हूँ, इधर ऊपर से फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड में कोई है, फिर पूरा नीचे तक खाली है, मतलब ऐसे पूरा खाली है, उधर दूर तक है, बहुत कम लोग रहे हैं यहाँ पे इस टाइम। अभी धीरे धीरे हो सकता है लोग आए यहाँ पे, देख सकते हैं, और शहर के बीच में, जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरा शहर के बीच में आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए पूरा उधर कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री है। चलते हैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाते हैं, इधर देखिए, इधर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है इस टाइम। और इधर देख सकते हैं आप, एक सरकारी ट्यूबवेल है यहाँ पे, लोग जो ट्रक व्रक वाले होते हैं आते हैं नहाते हैं यहाँ पे, जो सरकारी गांव में ट्यूबवेल नहीं होता वही वाला ट्यूबवेल है। और इधर देखिए ये सब फैक्ट्री है ना, इधर जितना आपको दिख रहा है सब फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब इधर से लेके इधर तक, इधर पूरा फैक्ट्री सब फैक्ट्री है। क्या करिए, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए, जल्दी मैं कहीं पे जाऊंगा घूमने उमने, तो वो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके साथ, आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए। हाँ इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसकी स्पीड जो प्यार वाली स्पीड है इसको बढ़ा दीजिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, मतलब जो लोग कर चुके हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग शेयर करें, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। देखिए कितना बड़ा पार्क है, पर कोई है नहीं, कोई नहीं दिखेगा, एकदम सुनसान दिखेगा आपको इधर, क्योंकि उतने लोग हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, नहीं बताया, अगर 100 रूम है तो उसमें से 25 लोग होंगे, तो बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए पूरा पार्क खाली खाली है। बाकी शहर आप लोग देखिए एक बार, शाम का नज़ारा,
ये देख रहे हो ये क्या, ये है सुपर टेक जो उधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, जो एक अलग सा गुच्छा दिख रहा है ना बड़ा सा। हाँ हाँ ये वाला, ये सुपर टेक है। फिर ओके, एक इधर जूम करके बता कौन सा बताना। ये वाला पूरा, ये पूरा ना। हाँ, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है। हाँ, क्या है ये? सुपर टेक बिल्डिंग है, ये पूरी भरी पड़ी है। हाँ तो भरी पड़ी होगी, 21 मंजिले हैं सब में। और काफी प्यारा भी दिख रहा है इधर। उधर देखो, ये पूरा ग्रेटर नोएडा आपको दिख रहा है जहाँ तक मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा है पूरा। बाकी कभी चलेंगे अच्छे से तो कहीं घूमने चलेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे ही। और आपको बता दूं, जो नोएडा की सड़कें हैं एकदम सीधी, आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर तो एकदम सीधा सीधा दिख जाएगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक तो आपको दिख जाएगा एकदम सीधा सीधा। बस जो गोल चक्कर होता है, जैसे यहाँ गोल चक्कर है, यहाँ पे आके थोड़ा सा राउंड लेगा, फिर यहाँ से राउंड लेके जिससे सीधा पूरा एकदम सीधा चला जाएगा। अब सामने आप देख सकते हैं एकदम सीधा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक एकदम सीधा। यहाँ की रोड का सबसे अच्छा यही मुझे लगा कि एकदम आपको कम से कम 2 किलोमीटर तक एकदम साफ दिख जाएगा, जहाँ तक आपकी नज़र मतलब फोकस कर ले, आप जहाँ तक देख लें एकदम क्लियर। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मतलब समाप्त, और अगले ब्लॉग की करेंगे तैयारी, सोचेंगे क्या दिखाना है आप लोग को। कुछ अच्छा ही दिखाऊंगा आप लोग को, बस आप लोग अपना प्यार दीजिए। और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। मैं शाम को सो के उठा तो मैं सोचा कि 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, चलो आज कुछ डालता हूँ। तो ऐसे छत पे आया, और सबसे प्यारी जगह मुझे ये लगती है, एक बार आपको फिर दिखा दूँ। आज नीचे से मैं तो देखा था, आज ऊपर से आके सबसे प्यारी जगह मुझे ये लग रही है। इधर पूरा पेड़ पूरा जंगल जैसा दिखा होगा, दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन इसके नीचे लोग रहते हैं, मतलब छोटे छोटे मकान हैं इसके नीचे। तो चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।